गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू पमिक दुनिया व्लॉग में। तो आज है संडे। संडे की सुबह काफ़ी अच्छी होती है ना, हर किसी को इंतज़ार होता है संडे का, क्योंकि संडे को होता है बच्चों का स्कूल बंद। तो थोड़ा बहुत आराम मिलता है हमारे शरीर को, फटाफट उठने का नहीं है सुबह में, और ना ही फटाफट नाश्ता बनाने का टेंशन है, ना ही लंच पैक करने का टेंशन है। तो अभी मैं सैंडविच बनाना स्टार्ट ही की थी, तब तक आ गया पानी। तो मैं काहे का भी सैंडविच बनाने लगी, मैं फटाफट भागी मशीन लोड करने में, क्योंकि वही होता है ना कि जब पानी रहता है तो लाइट चली जाती है, और आजकल वैसे भी लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रही है यहाँ पे, सुबह सुबह चली जाती है। तो फिलहाल मैं यहाँ आज चेंज कर रही हूँ दोनों रूम का बेडशीट। एक रूम का मैंने पहले निकाल दिया था, एक रूम का मैं छोड़ दी थी क्योंकि बच्चे सोए थे उसमें। तो सुबह सुबह उठाने का मन नहीं करता है, खास करके संडे के दिन। वैसे भी तो डेली उठते ही हैं सुबह सुबह, 5:30 बजे मेरे बच्चे डेली उठ जाते हैं जिस दिन स्कूल होता है। संडे को मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, एक्स्ट्रा 1-1.5 घंटा सो लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मशीन लगा लूँगी, उसके बाद जो मेरा सैंडविच होगा वो बनता ही रहेगा। और अभी मैं केवल बना रही हूँ केवल अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको जाना है तो उनके लिए बना दूंगी। बच्चों के लिए रेडी करके रख दूंगी, क्योंकि अभी बना कर रखूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा किसी को भी पसंद है, मुझे नहीं पसंद तो बच्चों को क्यों पसंद आएगा। सैंडविच गर्म गर्म ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे रेडी करके रख दूंगी। और ऐसे नहीं बोला कि मामा आप रेडी करके रख दो, जब वो नहा लेगी, ध्रुव नहा लेगा तो खुद ही इसको सेक लेगी। हालांकि मुझे सैंडविच मेकर मंगाना है, मैं पहले मंगाई थी फिलिप्स का सैंडविच मेकर, 2 साल तो ठीक चला, लेकिन बाद में उसमें क्या होगा, सैंडविच मेरा चिपकने लगा, बुरी तरह से निकलता नहीं था, टूट टूट कर निकलता था अलग अलग पीस में। तो मैंने उसको रख दिया है, मुझे दूसरा मंगाना है। उसकी कोटिंग जो है ना वो ख़राब हुई थी, मतलब वो स्क्रैचेस आ गए थे बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं कभी स्टील का स्पैचुला या फिर चाकू वगैरह कुछ भी उसमें यूज़ नहीं करती थी, फिर भी वो ख़राब हो गया। तो कोई चीज़ होती है ना कि अच्छे ब्रांड की हो फिर भी ख़राब हो जाती है। तो अभी क्या करती हूँ कि अभी मैं पैन में ही सेक लेती हूँ, पैन में भी अच्छा लगता है, लेकिन सैंडविच मेकर में जो करारा बनता है ना उसकी बात ही अलग होती है। और आज मैं सोच कर उठी थी कि आज मुझे करना है सामान पैक, क्यों करना है, कहाँ जाना है, ये मैं आपको बताऊँगी, आगे बताऊँगी। तो फिलहाल मैं सोची थी कि आज मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, अपना ब्रेकफास्ट लंच बना लूँगी और सामान थोड़ा बहुत पैक कर लूँगी। तो अभी मुझे ना बहुत सारा मतलब सारा ही सामान पैक करना है धीरे धीरे करके। तो अभी मैंने केवल एक ही कार्टून अभी पैक किया अपना, और बहुत कुछ अभी बाकी है, और ये टेंशन मेरे सर में पड़ी हुई है कि मैं कैसे पैक करूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
रहा है कि हाँ इसमें लिक्विड डिशवाशर गिरा हुआ है, तो शुक्र है कि थोड़ा गिरा था, बिस्किट ऊपर था तो बिस्किट में नहीं लगा, नहीं तो उसका जो स्मेल है तो उसके अंदर आ जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं 2 लीटर का डब्बा लाई थी और 1 लीटर करके मैंने पैकेट लिया था, इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि बड़ा मैं डब्बा लेकर आऊँ और वो बच जाए और मुझे उसको पैक करके ले जाना पड़े, क्योंकि पिछली बार मैं ऐसे करके लाई थी बच गया था, मैं ले मतलब 1.5 kg से ऊपर ही बचा था, तो उसको मैं पैक करके लाई थी तो वो थोड़ा बहुत लीक हो गया था। सो गाइस यहाँ पे ऐसी बैठ गई है अपना एग्जाम की तैयारी करने के लिए और ये सब ध्रुव फैला कर गया है, इन लोग का क्राफ्ट है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अब ध्रुव दूसरा कुछ बना रहे हैं और यहाँ पे ऐसी अपना क्या खा रही है, पहले आता था ना क्रैक्स, क्रैक्स बड़ा अच्छा लगता था ना, पर ये दूसरा है। हाँ मुझे वो बड़ा पसंद आता था क्रैक्स, अब बंद हो गया, पता नहीं क्यों बंद कर दिए। उसके बदले अलग अलग कंपनियां क्रैक्स लाने, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ अच्छा ही लगेगा, टेस्ट में अलग हो जाता है, जो भी है टमाटर वाली चीज़ तो अच्छा ही लगता है। तो अभी मैं किचन में आ गई क्योंकि मैं बना रही हूँ छोला और लंच में मैं बना रही हूँ छोला और चावल, यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ छोले के लिए, और छोले की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, सिंपल सी रेसिपी है। ऐसे मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया है, मैंने टमाटर अदरक लहसुन प्याज ये सब ग्राइंड कर लिया है, मतलब पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, और ऑयल गरम किया, ऑयल में तड़का डाला, जीरा तेजपत्ता थोड़ा सा अजवाइन 2 लौंग एक दालचीनी और 1 बड़ी इलायची ये डाल के तड़का दे दिया है, मतलब तड़कने दिया है, उसके बाद उसमें मैंने डाला है मसाले, धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च देगी लाल मिर्च और जो कलर आता है वो, और भून कर मसाले को थोड़ा सा भून कर, क्योंकि डायरेक्ट ऑयल में डालने पर मसाले पता है क्या होता है कि फ्लेवर अच्छा आता है और सबसे बड़ी बात कि कलर अच्छा आता है, आप लोग एक बार ट्राई करना। तो उनको डालकर मैंने पेस्ट पलट दिया है और अभी पेस्ट को भूनने में टाइम लगेगा, तब तक भूनूंगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तो इसमें टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाएगा, अच्छे से भूनूंगी, नहीं तो कच्चापन उसका जो फ्लेवर है ना कच्चा कच्चा आएगा प्याज का, तो प्याज का इन सब का फ्लेवर अच्छे से भुन जा गया तो खाने में अच्छा लगता है। वैसे आप प्याज को बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हो, चॉप करके भी डाल सकते हो, पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो, चाहे तो अलग से अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हो, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं फटाफट बनाऊँ, वैसे भी अभी 12 बजने वाला है और संडे का टाइम होता है ना कि थोड़ा सा काम जल्दी ख़त्म करके थोड़ा बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। सो गाइस यहाँ पर जो छोला है वो बन गया है और इसमें मैंने डाल के भर भर के धनिया पत्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में, किसी भी सब्जी में दाल में, उसके साथ ना खाने का फ्लेवर चेंज हो जाता है ना, मानते हो कि नहीं, अच्छा खुशबू आता है खाने में, अच्छा लगता है। और यहाँ पे दूध रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए, यहाँ बन गया चावल, बस अब खाने की देर है, और फिलहाल मेरे सारे बर्तन सूख गए हैं तो इनको अब मैं से तो दूध ढकना है उसके यहाँ रखती हूँ, तो इनको अपनी जगह पे रखती हूँ। ये जो क्या बोलते ढक्कन उसका लीड कढ़ाई का ये आता है, छोटे प्लेट आते हैं उससे छोटा मतलब काम की चीज़ है और स्पेस अच्छा खासा है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है कि मेरी इस अलमीरा के अंदर आता नहीं तो मुझे यहाँ रखना पड़ता है, पर अगर आपके पास स्पेस है तो बेझिझक लो, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। तो ये खाली हो गया है, इसको भी इसमें डाल देती हूँ, बस ये अभी खाली हो गया है तो अच्छा लगता है खाली के लिए, डेली मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, इसको भी ढक देते हैं। और ये वाला देख रहे हो ये हांडी, ये 4 का सेट में मंगाए थे अमेजोन से जब मैं अम्बाला में थी तब, तो अच्छा खासा इसकी स्टील है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी, देखो बिल्ड क्वालिटी अच्छी इसकी, और लेकिन एक प्रॉब्लम भी इसका ये जो चीज़ है ना, मेरे दो
जिसका जो दो हांडी है सेट है उसका निकल गया ढक्कन का, पर ये तो ऊपर से भी लग जाते हैं। तो ये रहा आज का सिंपल सा सादा सा लंच, छोला चावल। और मुझे पसंद है इसके अंदर हल्दीराम भुजिया डालकर खाने की। और ये आदत मुझे मेरी बेटी की वजह से पड़ा, उसको खा वो खाती है, उसको मैंने खाते हुए देखा तो मैं भी खाने लगी। तो फिलहाल ये शाम का क्लिप है और इस टाइम मैंने आयुषी से बनवाया था मुरमुरा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसका भी कभी शाम को बनाकर खा लेती हूँ। और ये टाइम है मेरे टी टाइम। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं तक। आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग का, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स बहुत कम आते हैं और मेरे लिए आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत मायने रखता, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल, ख्याल रखना, बाय।